नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परसोनी में पुस्तकालय में मौजूद हूं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनडीए के उम्मीदवार, त्रिस्तरीय निकाय चुनाव को लेकर सारे उम्मीदवार मैदान में जो है उतरे हुए हैं। आज परसोनी चौक पे एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी यहां आ चुकी हैं और अपने पूरे दल के साथ, अपने पूरे नेताओं के साथ यहां उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे त्रिस्तरीय निकाय चुनाव को लेकर। हम श्रीमती रेखा कुमारी जी से बात करेंगे, चलिए हम उनको उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप एनडीए के उम्मीदवार हैं और काफ़ी जो है आपके साथ और भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, काफ़ी सब लोग मशक्कत कर रहे हैं जीतने के लिए, नहीं सबका अपना अपना कुछ एजेंडा है। आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर, जो आपके वोटर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे वो बता दें। तो परसोनी का दौरा कर रहे हैं, परसोनी में जाके बहुत सभी का स्नेह मिला है और जाति और धर्म से हटकर सभी का विकास करें। 22 प्रखंड में गए, सभी का स्नेह मिला है और सभी का आशीर्वाद मिला है और जीत के आएंगे तो सभी का मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। तो अभी तक आपका लगातार दौरा है हर जगह पे, आप यानी आप इस चैनल के माध्यम से ये बताएंगी क्या कि अभी तक आपकी स्थिति कैसी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सभी का स्नेह मिला है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, अग्रिम बधाई मिल रहा है जीत का। अब हम आगे जो है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी जो हैं जदयू के कद्दावर नेता हैं और बिलसंड विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 महीना से हम लोग घूम रहे हैं और वो पार्टी के लोग सभी कहीं कहीं घूम रहे हैं। पूरे बैठक का उन लोगों का कंसेप्ट देखिए तो सिर्फ ये है कि भाई अफसर शाही बढ़ गया, अफसर पर कोई नियंत्रण नहीं है वगैरह वगैरह। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वे कौन राज था। आज तो ठीक है, कानून का राज है कि एक शक्तिशाली दबंग विधायक मंत्री भी अगर कानून को तोड़ते हैं तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है। बिहार में डॉक्टर का अपहरण होता है और यही बिहार की पुलिस जाकर के हरियाणा से पकड़ के लाती है। वे लोग उस राज की बात करते हैं जिसमें सत्ता पर उनका नियंत्रण था। डॉक्टर का अपहरण पटना के सड़क पर होता था और घूस का फरियौटी, रंगदारी का फरियौटी और लेन देन का फरियौटी एक अन्य मार्ग में था। ऐसे लोगों को लगता है कि अफसरशाही बहुत बढ़ गया है, अफसर का नियंत्रण नहीं है। नीतीश कुमार के राज में कानून का राज है और जो वार्ड सदस्यों को या पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिला है वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इस बिहार में जिसने कुछ दिया ही नहीं वो आ जाते हैं कान में बतियाने, ऐसे जे ही कट गलो आ ही झूठ गलो, एक अनफुकवा पार्टी से लड़ाई है, आटी पार्टी कोई बचा हुआ है क्या? और आप देखिएगा कि प्रथम वरीयता से ही 7 तारीख के दिन प्रथम वरीयता से ही रेखा कुमारी का जीत सीतामढ़ी सीवर से होगा और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार हैं। इनके पति पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जिनके क्रियाकलाप काम धाम में कोई जाति धर्म का बू नहीं आएगा, निष्पक्ष रूप से काम करेगी। डॉक्टर पेशे से हैं तो क्या कुछ जो है ऐसा ये है, उम्मीद है कि अगर ये यहाँ से जीतेंगे, रेखा कुमारी जी यहाँ से अगर जीतेंगी तो उसका जो है लोगों को जो है कुछ ज़्यादा फायदा हो अभी की अपेक्षा? ये आपको लग नहीं रहा है कि हमारा उनका इतना बढ़िया संगति हो गया? हम तो जीते हुए नहीं है फिर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। तो बेलसन विधानसभा क्षेत्र का कोई आदमी कहे कि हमारे अस्पताल में आ गया और 4 आना पैसा फीस के नाम पर ले लिया गया। तो मैंने डॉक्टर साहब के अंदर भी वो प्रतिभा देखी है कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति सेवा करने का, और एक सज्जन व्यक्ति हैं। इसलिए पूरे भरोसे के साथ खास करके बेलसन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हमें विश्वास देना चाहते हैं कि एक एक मत जाति धर्म से ऊपर उठ करके आटी पार्टी के सब रेडी बंधन को तोड़ करके रेखा कुमारी के 2 नंबर पर दीजिए
और इनको विजय बनाइए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बथनाहा पूर्व विधायक नगीना देवी। हम उनसे भी इस चुनाव को लेकर बात करते हैं कि आखिर माहौल किस तरह का है, आखिर क्या तैयारी है और क्या, इनसे जान लेते हैं हम। सबसे पहले मैडम, इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारा वोटर है, सपोर्टर है, हम लगभग 2 विधानसभा के, रीगा विधानसभा, बथनाहा विधानसभा के दौरा करके बेलसन विधानसभा में बैठे हुए हैं। हम तो बहुत आगे हैं और एक नंबर ही बढ़िया से हम जीत रहे हैं, 2 नंबर की ज़रूरत कहाँ है। हम लोग तो सिर्फ हम लोग बधाई ले रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बधाई दे रहा है। आप तो मैडम 2 बार विधायिका भी रह चुकी हैं, रीगा और बथनाहा, आपको तो अनुभव ज़्यादा होगा, आप इस अनुभव को ज़रा शेयर करें इस चैनल के माध्यम से कि अभी जो है रेखा कुमारी NDA की उम्मीदवार हैं, आप यानी इलेक्शन तो लड़ी हैं, चुनाव लड़ी हैं, रेखा कुमारी बथनाहा क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य भी हैं वर्तमान में। अभी हम अभी नगीना देवी से बात कर रहे हैं जो बथनाहा की भी पूर्व विधायक रह चुकी हैं, विधायिका रह चुकी हैं, साथ ही रीगा की भी विधायिका रह चुकी हैं, यानी इनके जो है इनका क्या अनुभव है, इस अनुभव को लेकर हम बात करते हैं जी। आप अनुभव शेयर कीजिए, अभी कैसा जो है, आप तो उम्मीदवार रही हैं, इलेक्शन लड़ी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं आप 2 बार। जिस तरह के हम अपने विधानसभा चुनाव लड़े, 2 बार विधायक बने, जीत हमारी हुई, और सुनो उसी तरह हमको लगता है कि जो हम जहाँ जहाँ गए हैं, घूमे हैं, उसी तरह के जो उत्साह है, सारे मानते हैं वोटर का हौसला बुलंद है, सब उत्साहित है, बधाई दे रहे हैं, अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मैडम आप जाइए ना, जो हम लोग सब आपको साथ हैं, जहाँ जहाँ हम गए हैं, सब जात पात से उठ कर जितने वार्ड सदस्य हैं, आप हिंदू मुस्लिम के बात करते हैं, मानते सारे के साथ आज देख रहे हैं, सारे हमारे साथ मुसलमान हैं, पूर्व मुखिया है, वर्तमान मुखिया, वार्ड सदस्य हैं, सब जात पात से उठकर हम लोग। श्योरिटी की बात करें, 50-50 या 100% हमारी जीत है, और कम से नहीं, बहुत ज़्यादा से, हमारे सामने कोई है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि नगीना देवी जो है बथनाहा और रीगा से पूर्व में विधायक भी रही हैं, और ये पूरा अनुभव के साथ कह रही हैं कि 50-50 नहीं, 100% श्योर है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं।